जिसमें रन रही असल वरम्त लि वर्कर्स कैसे हैं आप सब डेयर्स आज हम बताएंगे कि प्रॉबिलिटी की कितनी टाइप्स होती हैं ठीक है ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है अक्सर कुछ भी जाता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रॉबिलिटी तो प्रॉबिलिटी की हमारे पास जो है वो तीन टाइप्स होती हैं ठीक है नंबर फर्स्ट हमारे पास जो है जिसको हम क्लासिकल डिफीनिशन ऑफ प्रोबिलिटी के नाम से भी जानते हैं ठीक है ठीके? और अगर देखा जाए तो इसका एक और अल्टरनेट नेम है जिसको हम प्रायर डेफिनेशन भी कहते हैं तो प्रायर डेफिनेशन एंड क्लासिकल डेफिनेशन एक ही चीज है ठीक है इसमें क्या होता है हमारे पास वो रैंडम एक्सपेरिमेंट जो हमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम्स प्रोवाइड करके देते हैं और इसके साथ साथ जो आउटकम्स होते हैं वो इक्वली लाइकली होते हैं ठीक है यानी जितने भी एलिमेंट्स आपके पास आ रहे हैं उन तमाम के जो अक्रेंस के चांसेस है वो सेम हैं सुपरमेसी किसी को हासिल नहीं है किसी को बालादस्ती हासिल नहीं है जितने एलिमेंट्स हैं उनकी अक्रेंस की जो प्रोबेबिलिटी है उनके जो चांसेस है वो क्या है सेम है ठीक है देन इसके बाद आप आ जाए आपके पास कुछ केसेस होते हैं फेवरेबल ठीक है जब आप एक्सपेरिमेंट कोई करते हैं तो डेफिनेटली उसके कुछ आउटकम्स होते हैं किसी आउटकम्स में आपका क्या होता है इंटरेस्ट होता है ठीक है तो उनको फिर हम फेवरेबल केसेस के नाम से जानते हैं ठीक है और जो एन जिसको हम शो कर रहे हैं इसको हम कहते हैं पॉसिबल केसेस टोटल केसेस यानी आपके जो एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म किया जा रहा है उसमें टोटल रिजल्ट्स कितने आ रहे हैं उसको हम कहते हैं पॉसिबल केसेस और वो रिजल्ट जिसमें आपका इंटरेस्ट है ठीक है उनको फिर हम फेवरेबल केसेस के नाम से जानते हैं तो जब हम फेवरेबल केसेस को डिवाइड करते हैं पॉसिबल केसेस में तो फिर इसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं क्या कहते हैं प्रॉबिलिटी कहते हैं और इसको हम क्लासिकल प्रोबिलिटी के नाम से जानते हैं ये मोस्ट कॉमन टेक्निक है जो हम प्रोबिलिटी कैलकुलेट करते हुए इस्तेमाल करते हैं कि cases, cases, कि इसको हम लेप्लेसियन डेफिनी के नाम से भी जानते हैं और इसको हम मैथमेटिकल डेफिनी भी कहते हैं ठीक है आते हैं सेकेंड की तरफ

या of के नाम से जानते हैं। और इसी को हम स्टेटिस्टिकल डेफिनेशन ऑफ प्रॉबिलिटी के नाम से भी जानते हैं थर्ड का है, एक्जोमैटिक डिफीशनिटी तो इसमें हमारे पास तीन एग्जामूड है ठीक है अच्छा एग्जियम्स हम किसे कहते हैं उन स्टेटमेंट को हम एग्जियम कहते हैं जिनको हम ट्रू कंसिडर करते हैं ठीक है ये एग्जियम की क्या है डिफिनीशन है अच्छा हमारे पास जो फर्स्ट एग्जाम्स ये है कि जो प्रॉबिलिटी है ये हमेशा जीरो और वन के इन बिटवीन लायक करेगी जबकि जीरो भी इंक्लूसिव है जीरो भी शामिल है और वन भी क्या है शामिल है प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होती है आप जानते हैं क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो होती है वो चांस को न्यूमेरिकली मेजर करने का नाम है तो चांस जो होता है वो जीरो होता है लेकिन चांस नेगेटिव कभी नहीं होता इसलिए प्रोबेबिलिटी की रेंज क्या होती है इन बिटवीन जीरो एंड वन होती है ठीक है प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज ऑलवेज इक्वल टू वन वो इवेंट जो हंड्रेड परसेंट ट्रू होते हैं जिसमें कोई शको शुभ नहीं होता उनको हम श्योर sure इवेंट के नाम से जानते हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी

इनके यूनियन की प्रोबेबिलिटी आपने कैलकुलेट करनी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इसको आप भी कर है, आपके पास तीन है, तो प्लस प्लस C, ठीक है, ये, तो ये क्या है तीन है, कि है किसने जो है ड्राइव करके दिए सबसे पहले इस पे किसने वर्कआउट किया था तो इसको हम कॉलोमोग के नाम से भी जानते हैं किस क्या कहते हैं कालोमोग के नाम से भी इसको जानते हैं एंड टिक डिफिनेशन जो है इसको हम मॉडर्न डिफिनेशन ऑफ प्रॉबिलिटी भी कहते हैं ठीक है अच्छा यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे पास जो क्लासिकल डिफिनेशन ऑफ प्रॉबिलिटी है जिसको हम फेवरेबल केसेस डिवाइड बाई पॉसिबल केसेस कहते हैं ये क्यों आजकल ज्यादा इन है ठीक है मोस्ट कॉमनली इसीलिए इन है ये सर्कुलर ज्यादा, ज्यादा क्यों है अगर आप देखें तो हम जब भी प्रॉबिलिटीज कैलकुलेट करते हैं